किसी भी इंसान के लिए कि हर नियम को अपने मन से हटाना पड़ता है, लोगों को बचाने की उम्मीद नहीं रहता है। नहीं, मेरा ये कर्तव्य यहाँ इसको बचाना है। ऐसा लिया तो सोच समझ कर लिया था और पूरे पब्लिक के हित में, लेवल्स के हित में ही लिया था। टेक्निक स्किल से ज़्यादा जो है प्रोफेशनल स्किल का महत्व है। सो हेलो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं रनवे 34 सिक्स्थ डे, क्या है पब्लिक का ओपिनियन, आइए जानते हैं। मूवी अच्छी है। हाँ, क्या अच्छा लगा? एक्टिंग अमिताभ बच्चन और अजय देवगन का एक्टिंग बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी। हाँ, देखने लायक है। हाँ, देखने लायक है। है डायरेक्शन भी अच्छा है, स्टोरी अच्छा है। अच्छी है। क्या अच्छा है इसमें? डायरेक्शन अच्छा है, म्यूजिक कोई खास नहीं है, एक्शन भी बहुत अच्छा है। एक्टिंग अमिताभ बच्चन और बेस्ट, अमिताभ बच्चन बेस्ट। मूवी अच्छी लगी है, अच्छी थी। और क्या कहें, मतलब पब्लिक को जो है मूड जो है, जो कहते हैं ना कि एक मिनट के लिए भी नहीं हटा, बहुत सस्पेंस लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि और कहानी जो है अब आगे क्या होगा, लगता था अजय देवगन फंस जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो अपना बुद्धि विवेक से और उसने जो फैसला लिया तो बहुत सोच समझ के लिया था और पूरे पब्लिक के हित में, लेवल्स के हित में ही लिया था। लेकिन अमिताभ बच्चन का जो रोल था बड़ा ही क्रिटिकल था। एक्टिंग अच्छी लगी? हाँ, अच्छी लगी। थैंक यू सर। कैसी लगी मूवी? बहुत अच्छी मूवी थी। और कुछ कहो? हाँ, अच्छी मूवी थी, रियल स्टोरी पे बेस्ड थी, तो मज़ा आया देखने में। काफ़ी नॉलेजेबल नहीं, बट अच्छी मूवी थी। मतलब ऐसा नॉलेज समय आता है किसी भी इंसान के लिए कि हर नियम को अपने मन से हटाना पड़ता है, लोगों को बचाने की उम्मीद में रहता है। नहीं, मेरा ये कर्तव्य यहाँ इसको बचाना, ये नहीं करें और रोड पार नहीं करें। रोड अगर पार करके हम किसी का जान बचा रहे हैं तो वही सही थी। बहुत अच्छी है, अजय देवगन की पिक्चर है, ये तो अच्छी होती ही है। डायरेक्शन बहुत अकेडमिक स्किल से ज़्यादा जो है प्रोफेशनल स्किल का महत्व है। बहुत अच्छा लगा इस फिल्म से। एक ही बात जानने को मिली कि एक बार हम एकेडमिकली का गलत करते हैं, लेकिन जो व्यक्ति का अनुभव है वो ज़्यादा सही होता है। वो इस फिल्म का सबसे बेस्ट पार्ट लगा और बाकी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी। इस फिल्म का जो सेकंड पार्ट है, जहाँ बहस चलती है कोर्ट में, वो ज़्यादा मज़ा आया देखने में। और क्या कहें, स्टोरी बहुत अच्छी है। ये मतलब मनोरंजन फिल्मों की तरह ये नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू।